नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN24 न्यूज। अभी सिविल हॉस्पिटल में धरना स्थल पर मौजूद हूँ और आज धरना स्थल पर जो महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और इस चीज़ को लेकर जो उनके परिवार पर क्या बीत रही है, ये पूरा घटनाक्रम जो है आज लगभग 6 से 7 दिन हो चुके हैं और न्याय के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको 9 दिन हो चुके हैं और जो है सुमित की माता जी यहाँ पर बैठी है जो अभी फिलहाल जो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है लेकिन परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपके इस घटनाक्रम को पूरी तरह से 9 दिन हो गए हैं, आखिर प्रशासन ने आपकी जो यहाँ पर धरने पर बैठने के बाद SIT भी गठित कर दी है, यानी अब जांच पड़ताल चल रही है, तो आपके क्या विचार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी अब तो मैं कुछ नहीं बोल सकती जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही ना, हम कुछ नहीं बोल सकते जी। अब आ जाएंगे थोड़ी देर में, जो भी विचार विमर्श होगा उनका वे आप बता देंगे। अभी हमारे पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है जी, अभी हमारी क्या सुनवाई चल रही है वहाँ पर, अभी गए भी हैं और भी आके बताएंगे जी। तो तलाउरा ताई मौजूद है तो? हाँ ताई जी, राम राम। कौन सी ताई थी जो बोल रही थी? तो ताई नू बता, 9 दिन हो गए पूरा घटनाक्रम ने, तो 9 दिन में के लग है जो है? एक मामला आया था कल भाई, एक लुगाई खड़ी हो रही थी, बोले पुलिस अरे मारा करा चक्कर काटा है भाई, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस अरे घर आप गिरफ्तारी करने खातर चक्कर काटने लग जाए, पूरा इतना बड़ा मामला हो रहा है, पुलिस कोई एक्शन को ले रही है? आड़े कोई पुलिस आके कोई नहीं कुछ भी कर रही है और केस है कुछ भी कोनी, 0 साज ताई बैठे उ दिन भी से थे आज भी से, कार्रवाई नहीं करी पुलिस। तो जो ये घटनाक्रम हुआ है इस चीज़ को लेकर जो है आप क्या कहना चाहोगे? भाई लड़का ने लड़की से शादी कर ली, काफ़ी जो लोग हैं नाराज भी हो जाएगा इस चीज़ ने, काफ़ी जो अपने बुजुर्ग टाइप के लोग पसंद भी नहीं करते इस चीज़ को, तो आप जो बुजुर्ग महिला में है तो इस चीज़ हमने तो गवर्नमेंट समाज को क्या संदेश देंगे? गवर्नमेंट ने खुली कर रखी है, लड़का लड़की शादी करो 2.5 लाख देंगे, किसी कास्ट में करोगे तो है वो 2.5 लाख तो दे, न्याय तो कोई नहीं कर दे, भाई शादी तो करो, प्यार प्रेम तो रहो, घर बसाओ है, मरवाओ तो ना किसी के बेटा ने, गवर्नमेंट या तो उनको पर कंट्रोल को नहीं कर दी है, खाने थे वही तेने तो वो छोरी अपना आछा आछा खावे और फिर अपने मरवा दिया अगला ने। तो अभी न्याय की जो क्या उम्मीद आप सरकार से रख रहे हैं? न्याय की ये उम्मीद है लड़की को दोषी है तो दोषी ठहराया जाए, निर्दोष है तो उसने छोड़ दो, और मारो सहमी सारी बात उसकी आ रही है फोना के माध्यम से, अके सुमित ने मार दिया कैसा रहेगा, सुमित मारा जिस दिन फंस जाएगा उस दिन जिंदा नहीं रहेगा है, ये फोन ना पर सारी बात लेकर देकर के आ रही है, आराम नहीं ढीले बैठे को नहीं। तो कौन सी परेशानी थी जो सुमित को खा रही थी दिन प्रतिदिन? जैसे रिकॉर्डिंग भी सुनी है हमने, कोई चैट वगैरह भी देखी है, तो घरवालों से डिस्कस हुई थी पहले? सुमित ने कहा भाई घरवालों तो कुछ पहला बताया हो, जमाई कौन बताया? बतावर तो ये कहानी क्या न बना, सुमित तो सीधा सादा था, सुमित ने तो कोई घर बातें को नहीं बताई है, सुमित ने तो घर बात बताओ तो बने को नहीं, ये बात है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो है महिलाएं मौजूद है जो अपने विचार विमर्श कर रही है, अपना दुख प्रकट कर रही है और प्रशासन से यही मांग है कि जो इनको न्याय मिले, और इस न्याय के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर करिएगा, जय हिंद।